हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अवराज एंड मम्मा ब्लॉग्स। हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। क्योंकि ये मदर्स डे का वीडियो है और संडे का दिन था, मदर्स डे भी था, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। बाबू को भी बहुत मज़ा आता है घूमने में। और यहाँ पर तैयार होकर निकल लिए हम लोग। मदर्स डे का दिन हमारे लिए सिर्फ एक दिन नहीं है, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। मदर्स डे पहले भी आता था लेकिन इतना ख़ास नहीं लगता था, अपनी माँ के लिए लगता था, पर खुद माँ बनकर जब उस चीज़ को महसूस करना, उन एहसासों को जानना, यार गज़ब फीलिंग होती है माँ बनना और अपने बच्चे को अपनी गोद में लेना। वेलकम बैक टू माय चैनल अविराज एंड मम्मा ब्लॉग्स। हैप्पी मदर्स डे। और आज मदर्स डे लगभग ख़त्म होने वाला है, शाम हो गई, 8 बज रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर सेलिब्रेट। क्या मतलब, ऐसे घूमने निकलते ही हैं संडे को, तो उसी में निकल रहे हैं और आगे जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। आज वडोदरा में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। खाना हम लोग बाहर नहीं खाने वाले हैं क्योंकि खाना हमने बना लिया है ऑलरेडी, इसीलिए 8 बज गया, क्योंकि खाना बना के जाओ तो सही रहता है, आके बस खाना रहे। चलिए मिलते हैं। ये देखना, इधर ये है ना? हाँ यही है, वो दूसरा गेट था। हम लोग पहुंच चुके हैं अलेम्बिक सिटी। मामा और आसमान में जो है चंदा मामा दिखे, तो बाबू बोल रहा है मामा और देखने की कोशिश कर रहा है कि मामा क्यों नहीं दिख रहे हैं चंदा मामा। हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ बहुत भीड़ है, लेकिन यहाँ पहुंच के हमेशा ही अच्छा लगता है। तो देखते हैं अविराज और अविराज के डैडी आज मदर्स डे पे हमारे लिए क्या स्पेशल करते हैं, और इन लोगों का लुक अभी दिखाते हैं, ये लोग कैसे रेडी हुए हैं। ये है दोनों बाप बेटे। और ये आ गया अविराज सिंह यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए। ए बाबू, यहाँ पानी को निहारते हुए, ये इनको मिलेगा छूने के लिए। बाबू इधर देख लो, इधर देख लो, चंदा मामा देखो, चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा, मेरा मल्ली करता है। ये बाबू ने ढूंढ लिया चंदा मामा को, ढूंढ लिया। थोड़ा घूमने फिरने के बाद हम लोग बैठ गए हैं एक रेस्टोरेंट में, ब्रेवरी करके था। यहाँ इतनी वेटिंग लिस्ट लंबी थी कि पूछे मत, काफ़ी वेट करना पड़ा और फिर बाद में पछतावा हो कि इतना वेट हमने क्यों किया, क्योंकि बाबू को भूख भी लग रही थी, थोड़ा क्रैंकी हो रहा था वो। तो यहाँ हम लोग सोच रहे थे क्या ऑर्डर करें क्या ऑर्डर करें, और यहाँ इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा था और
जो स्कैन करके उसमें मेन्यू जो है आने वाला था, तो ये सब नए ज़माने की चीज़ें, थोड़ा हम लोग इनमें पीछे हैं, तो देख रहे थे हम लोग। फिर हमने एक भैया को बुला के उनसे कहा हम लोगों को ऑर्डर करवा दीजिए वाटरमेलन जूस, कोई भी फ्रेश जूस हो वो। तो वाटरमेलन जूस लाया और इनको ट्राई करना था जिंजर बियर, तो वो मंगवाया इन्होंने। यहाँ बाबू हाई चेयर में बैठ गया है। यहाँ गाना बहुत तेज़ चल रहा था इसलिए वॉइस ओवर कर रहे हैं, और जो नेचुरल आवाज़ है उसको म्यूट कर दिया है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ देखिए काफ़ी अच्छा था, ये था कि यहाँ टाइम लेकर खूब आओ, अच्छे से बैठो, तब जाके चीज़ें होंगी। बाबू बीच बीच में क्रैंकी हो रहा था तो अविराज के डैडी उनको खिला रहे थे, देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं। हाँ, ये भैया से बोला था तो ये लेकर जल्दी से आ गए। और लेकिन काफ़ी महंगा था, बहुत ही महंगा था ये, हमें तो बहुत ज़्यादा महंगा लगा। हम लोगों ने ये दो ड्रिंक मंगाया था, एक वाटरमेलन जूस और एक जिंजर बियर, और बाबू के लिए फ्रेंच फ्राई। फ्रेंच फ्राई लाने में 20 मिनट लगा दिए उन्होंने, तब तक हमारा बाबू जो बहुत भूखा था, रो रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था हम लोग। फिर हम लोग वहाँ से चले आए और जूस लिया हम लोगों ने। यहाँ बर्फ़ जब ग्लास में मंगाई, क्योंकि जूस में बर्फ़ नहीं डाला था उन्होंने, तो अभी देखिएगा बाबू कैसे बर्फ़ को टेस्ट कर रहा है। ये देखिए, ओ नो वाली फीलिंग आ रही, ओ नो, उसको लग रहा है कि इसमें टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, कोई मुझे खाने में अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, रो रहा था। और ये जो रेस्टोरेंट का माहौल था ना, बहुत अच्छा था, काफ़ी देर तक यहाँ बैठो चिल करो, अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने सोचा है नेक्स्ट टाइम आराम से जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेंगे, खाने वाली जो भी चीज़ें होंगी। तो कभी डैडी ले रहे थे तो कभी मम्मा, बाबू को हम सब एंटरटेन कर रहे थे वहाँ पे। और लेकिन एक अच्छा टाइम बिताया हमने और अच्छा लगा, मज़ा आया। बाहर जाओ यार, 5-6 दिन के बाद आप जब छुट्टी के बाद बाहर जाते हो ना तो अच्छा ही लगता है, और जाना भी चाहिए। ये फ्रेंच फ्राई यहाँ पे आ चुका है और बाबू ने अच्छे से खाया भी। तो यहाँ इनके डैडी चेयर को वापस से साफ़ कर रहे हैं बैठाने के लिए, पर अपनी गोद में बिठा लिया। और ये देखिए पिता की चिंता, उसको अच्छे से टच करके दबा दबा के देख रहे हैं कि गर्म तो नहीं, बाबू को लगेगा तो नहीं। यहाँ हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, तो बहुत अच्छा रहा, कुल मिला के एक अच्छा समय बिताया हम सब ने। इनका पेपर ले ली? हाँ ले ली। थैंक यू, मजा आया यहाँ पे यार, नई जगह नया लोग। हाँ वो तो वही चीज़ है ना, मेन वही है, नया लोग ट्राई करो। और घर आकर हम लोगों ने अपना खाना खाया जो हम बना कर गए थे, पनीर शिमला मिर्च की सब्जी, घी लगी हुई रोटी और सलाद, और बाबू का दूध रोटी जो पहले से ही भिगो कर गए थे ताकि वो अच्छे से गल जाए। और हमारा बाबू यहाँ बैठ चुका है खाना खाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।